नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू राइजिंग इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। यूपी विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इसका जयघोष जिस तरीके से हो चुका है, ऐसे में सभी पार्टियां मैदान पर उतर चुकी हैं। और अगर देखा जाए तो दूसरी ओर जिस तरीके से यूपी चुनाव पूरी तरीके से जाति चुनाव में तब्दील होते दिख रहा है, तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शाख पर हर पार्टी ब्राह्मण वोटों को लुभाने का काम कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ब्राह्मण समुदाय एक ऐसा वर्ग जो चुनावी दल का सबसे अहम टूल माना जाता है। अमूमन तौर पर पार्टी के लोगों को यह लगता है कि ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो उनके लिए राजनीति सत्ता के दरवाजे खोल सकता है। अगर पिछले सालों के इतिहास को खंगाला जाए तो आजादी के बाद यूपी की सियासत में 1889 तक ब्राह्मण का वर्चस्व कायम रहा और 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने जो सभी कांग्रेस से थे। यूपी की सियासत में मायावती ने 2007 में ब्राह्मण महत्व दिया था, जिसके चलते प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ा दिया। 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी से 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए। इसलिए भाजपा सपा बसपा हर पार्टी इस बार प्रबुद्ध सम्मेलन के सहारे ब्राह्मण को रिझाने में लगी है। सियासी महकमे में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप की हवा को महसूस किया जा रहा है। फिर वो चाहे योगी का तंज कसा बयान ही क्यों ना हो, तो वहीं बसपा पार्टी का मुख्तार अंसारी को टिकट ना देना, ओवैसी का विवादित बयान, तो सपा और कांग्रेस पार्टी का मंदिर मंदिर जाकर के दर्शन करना। तो अगर ये सारी तमाम चीजें जब हमारे सामने उभर करके आती है तो आखिर मन में सवाल खड़े ही करती है। देखिए एक रिपोर्ट। जहां एक और तेजी से यूपी चुनाव जाति चुनाव के उफान पर दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनेताओं के बयान वाले बाणों की बारिश भी जारी है। कुशीनगर के योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे सीएम योगी ने सपा पार्टी को घेरते हुए तंज कसा कि पहले की सरकार जनता का सारा राशन अब्बा जान को बांट देती थी। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अपने बयान में यह भी कहा कि भाजपा सत्ता में है तो ही आस्था जिंदा है, अगर पहले की पार्टी होती तो क्या राम मंदिर बन पाता। राशन मिलना है राशन, क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था, क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। वहीं सुल्तानपुर दौरे पर आए ओवैसी का विवादित बयान भी चर्चा का विषय बना है। उनकी पूरी कोशिश है कि यूपी के 19% मुस्लिमों को अपनी पार्टी की तरफ किया जाए। हर पार्टी अपने नए पैतरे आजमा रही है। इधर विवादित बयान की जंग तो दूसरी ओर अंसारी को टिकट न देकर बसपा पार्टी को अपराधी मुक्त बताती दिखी मायावती। वहीं ब्राह्मण वोटों के लिए रायबरेली का दौरा करने पहुंची प्रियंका गांधी, जिसकी शुरुआत की हनुमान मंदिर में माथा टेक। आपको बता दें कि रायबरेली कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। लगातार वहां 23 सालों से सोनिया गांधी सांसद हैं, मगर रायबरेली न जाने से जनता में नाराजगी देखने को मिली। प्रियंका गांधी अक्सर रायबरेली का दौरा चुनावी मौसम के समय करने आ ही जाती हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस बार यूपी की सत्ता को जनता किसके हाथ में सौंपेगी। तो ये थी खास रिपोर्ट, जिसको देख करके साफ तौर पर नजर आ जाता है कि किस तरीके से देश के राजनेता जाति के नाम पर सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में हर पार्टी इसका प्रयास भी कर रही है, मगर देश के विकास और जनता की समस्याओं के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो वहीं अब देखना होगा कि आखिर जनता इस बार किसके साथ खड़ी होती है। कैमरा पर्सन सार्थक के साथ आस्था तिवारी।